जय सियाराम। काफी लोग खुश भी होंगे क्योंकि कल यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। आधी अधूरी मंदिर है, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा, दिव्यांग मंदिर है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। खैर, ये बात की है क्योंकि ये एक आस्था का विषय है और हमारा भी आस्था है भगवान श्री राम में, हमारा भी आस्था है भगवान श्री कृष्ण में। और आज सरायरंजन में यानी कि हमारे समस्तीपुर जिले में नए अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। माँ जानकी के नाम से यह अस्पताल है, इसमें भी भगवान है। ये बातें तो होती रहेंगी क्योंकि आस्था का विषय है, इस पर चर्चा होता रहता है। लेकिन आपको एक बात बताएं, इन सारी चीजों के बीच में एक बात निकल कर आ रही है कि अब से 16 वर्ष से नीचे के बच्चे कोचिंग संस्थान में जाकर पढ़ नहीं सकते हैं। ये आम आदमी के लिए एक धक्का है। जहां पर स्कूलों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्कूल में हर विषय की पढ़ाई एक सीमित समय के लिए होती है और कोचिंग संस्थान में जो बच्चे जाते हैं उनको पार्टिकुलरली सब्जेक्ट जो कमजोर होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान देकर पढ़ाया जाता है, उन सब के लिए यह एक धक्का है। और साथ ही वो छोटे संस्थान जो कोचिंग संचालक हैं वो चलाते हैं उनके लिए भी, क्योंकि अगर पहली बार अगर गलती करते हैं उनको 25,000 का जुर्माना दिए लगेगा अगर वो 16 वर्ष से कम के बच्चे को पढ़ाते हैं तो। अगर दूसरी बार अगर फिर से वही काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो उन पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही साथ सजा का भी प्रावधान है। ये तो हो गया कोचिंग संस्थान पर एक नकेल कसने की। एक बात अच्छी लगी मुझे जो इसमें कहा गया था कि जो ग्रेजुएट हैं वही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, 10th तक के बच्चे को। अगर जो 10th से ऊपर के बच्चे पढ़ाते हैं 11th 12th मान लीजिए, वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। ये चीज़ें, एक रजिस्टर्ड होना चाहिए संस्था, ये भी सही है। और ये लगभग अब हर कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड है, कुछ इक्का दुक्का को छोड़कर। लेकिन क्या 16 वर्ष से कम के बच्चे को कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाने का निर्णय सरकार का सही है या गलत है, इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? तो मेरा मानना है यह कि जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास के फैमिली हैं, वो बड़े स्कूल में नहीं डालते। और बड़े स्कूल में ये व्यवस्था होती है कि बच्चे को एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कैसे गाइड किया जाए, वहाँ पर मेंटर होते हैं, काफ़ी सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। तो क्या मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चे को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं जहां पर से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा क्लास बच्चे को कराया जाए ताकि उनकी जो मानसिक डेवलपमेंट हो वो और ज़्यादा हो सके? तो ऐसा मिडिल क्लास फैमिली तो नहीं कर सकते हैं। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें बताइए, क्या 16 वर्ष से कम बच्चे को कोचिंग ट्यूशन पढ़ जाने के लिए रोकना सरकार का फैसला सही है या गलत है? आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाद बाकी, जय सियाराम। और आज जो उद्घाटन हो रहे हैं हमारे जिले में अस्पताल, उनके लिए जो वहां पर जाएंगे उनके भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।